चर्च, वो चर्च के सामने जोश मूवी की शूटिंग हुई थी, जोश शाहरुख खान की फिल्म जोश वहाँ पे शूट की गई थी। मत क्या किया है, गिर गया वो। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। এই মুহূর্তে আমি আছি নর্থ গোয়াতে। আজকে ট্যুর প্ল্যান হলো সাউথ গোয়া। প্রথমে যাব সাউথ গোয়ার পানাজিতে অবস্থিত মিরামার বিচে। গোয়া ট্রিপ প্ল্যানার সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করে ট্যুর বুকিং করি আমি 350 রুপিতে। তাদের বাসে করে যাচ্ছি এবং তাদের লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। साउथ गोवा इसे बड़ा टूर कहा जाता है। तो अभी हमारा टूर स्टार्ट होने वाला है। टूर स्टार्ट होने से पहले इंपॉर्टेंट बातें अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है या नोट डाउन करना है। कल कोई नॉर्थ गोवा गया था आप? এসে পড়লাম পানাজিতে, যা গোয়ার রাজধানী। মিরামার বিচের সামনে চৌরাস্তার মোড়টি ঠিক এভাবেই সাজানো আছে। চলুন মিরামার বিচে। আমার ধারণা গোয়ার 28টি বিচের মধ্যে এটি সবচেয়েতে বড় এবং আকর্ষণীয় স্পটে পরিবেষ্টিত। বলিউডের অজয় দেবগানের মুভি গোলমাল, কিয়ামত, সিংহাম বা শাহরুখ খানের জোশ সিনেমাগুলো এই এলাকার আশেপাশেই হয়েছে। এখানে আমরা একটা বোট ট্যুর করে পুরো বিচটি ঘুরে দেখব। शूटिंग भी है
तो अभी हम लोग अरेबियन सी में जाएंगे। लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये अरेबियन सी है, और राइट साइड से आगे दिख रहा है ये रिवर है, रिवर मांडवी। मांडवी रिवर यहाँ पे खत्म होता है, लेफ्ट साइड से सी स्टार्ट होता है। तो किसी को भी सी का मजा लेना है, सी का एक्सपीरियंस लेना है, तो आगे जाके बैठ सकते हैं। दोनों साइड में देखो बैठने के लिए जगह है, वहाँ पे बैठ सकते हैं आप लोग, दोनों साइड में बैठ सकते हैं। किसी को डांस करना है तो आगे में जो ओपन प्लेस है वहाँ पे आप लोग डांस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान में रहे कोई भी पानी में जम मत मारो, और आपके हाथ में कुछ भी बेस्ट है वो बाहर मत उड़ाओ। राइट साइड से आगे डस्टबिन है, डस्टबिन यूज करो। और किसी को ठंडा पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठंडा बियर चाहिए, चिल्ड बियर चाहिए, तो बोर्ड में मिलता है, पीछे में आके ले सकते हो। किसी को ठंडी बियर चाहिए, चिल्ड बियर चाहिए, तो बोर्ड में मिलता है, पीछे में आके ले सकते हो। किसी के पास कैश नहीं तो गूगल पे कर सकते हैं आप लोग, किसी के पास कैश नहीं है तो गूगल पे कर सकते हैं। सब लोग राइट साइड में आ सकते हो, देखो कितना है, देखो नहीं रहने का बोर्ड खुला है, दिखता नहीं तो राइट साइड में आ जाओ, वो देखो तले कुड़े तले, ये देखो वो देखो वो देखो ये उसको मत क्या किया है, गिर गया वो रहेगा। अभी अपने आंखों से देखो, अच्छा सा फोटो ले लो, गांव में जाके ऐसा ही छोटा सा बनाओ, क्योंकि कभी भी आप लोगों की हसीना रुक सकती है, इसको मनाने के लिए काम आएगा। अभी बंगले के ऊपर देखो, बंगले के ऊपर व्हाइट कलर की चर्च दिख रहे, ये चर्च का नाम है सेंट लॉरेंस चर्च, सेंट लॉरेंस चर्च। वो चर्च के सामने जोश मूवी की शूटिंग हुई थी, जोश शाहरुख खान की फिल्म जोश, वहां पे शूट की गई थी। तो अभी राइट साइड से आगे की तरफ देखो, पानी के लेवल में इंडियन फ्लैग दिख रहा है, उसके नीचे देखो ये पानी के लेवल में व्हाइट कलर का हाउस दिख रहा है, ये गोवा का सेंट्रल जेल था, गोवा का सेंट्रल जेल। ये लंबा दिख रहा है बहुत विंडो वाला, ये लेडीज वार्ड था, और आगे में दो विंडो वाला दिख रहा है हेड पे, ये जेंट्स वार्ड था। दोनों अंडरग्राउंड जेल थी, और ये जेल में कयामत फिल्म की शूटिंग हुई थी, अजय देवगन की फिल्म कयामत उस जेल में शूट की गई थी, और पुरानी फिल्म वतन के रखवाले। अभी ये जेल जेल नहीं रही है, गोवा गवर्नमेंट ने उसको रिन्यूएट करके म्यूजियम बनाया है, आप लोग वहां पे जा सकते हैं बाय रोड। उस प्लेस का नाम है अगवाड़ा, उस प्लेस का नाम है अगवाड़ा। अभी जेल के ऊपर देखो, पहाड़ी के ऊपर व्हाइट कलर का राउंड पिलर दिख रहा है, ये बहुत ही पुराना लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस पहले कोयले के ऊपर चलता था, अभी ये लाइट हाउस नहीं चलता है, तो गोवा गवर्नमेंट ने नया लाइट हाउस बनाया। उसके राइट साइड में देखो, उसके राइट साइड में एक व्हाइट कलर का स्क्वायर पिलर है, उसके ऊपर ऑरेंज कलर कैप है, ये नया लाइट हाउस है, और ये लाइट हाउस सोलर एनर्जी के ऊपर चलता है, और वहीं पे फोर्ड अगवाड़ा है, फोर्ड अगवाड़ा वहीं पे है। वो ब्लैक कलर का पत्थर का बॉर्डर दिख रहा है, ये फोर्ड अगवाड़ा का बॉर्डर है, और ये फोर्ड अगवाड़ा में दिल चाहता है सिंगिस ब्लिंग और बागी टू मूवी का शूटिंग हुआ था, दिल चाहता है सिंगिस ब्लिंग और बागी टू मूवी का शूटिंग वहां पे हुआ था। तो अभी लेफ्ट साइड से देखो, लेफ्ट साइड से वो पहाड़ी के ऊपर कॉर्नर में एक पैलेस दिख रहा है, पैलेस गवर्नर पैलेस है, राजभवन, गोवा का गवर्नर वहां पे रहता है, और ये गवर्नर पैलेस किसी को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये मेन गेट से 3 किलोमीटर अंदर है, वहां पे किसी को जाने का परमिशन नहीं है, जो लोग पानी में ट्रेवल करता है उसको ही दिखता है। उस प्लेस का नाम है दोनापावला, उस प्लेस का नाम है दोनापावला। तो पैलेस के हो साइड में एक दोनापावला जेटी है, वो जेटी के ऊपर सिंगम मूवी की शूटिंग होती, सिंगम
बाजीराव सिंगम लाइट का कम वाले के वक्त उधर शूट किया था। तो अभी बोर्ड के चारों साइड में देखो जल्दी, बोर्ड के चारों साइड में दिख रहा है ये पूरा पानी है। I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.